क्या कहेंगे और जिस तरह से बिल्डरों का काम है नवी मुंबई में और खंडेल में कैसे देखते हैं? हुंडई PAMM के माध्यम से साल में दो बार होता होगा, मतलब आगे साल में तीन बार, इसका इसका इंडिकेशन कि देयर इज मोर वांट। जब इंसान खाने के टेबल की ओर जाते हैं इसका मतलब उसको भूख होती है तो जाता है। तो नई मुंबई का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। नई मुंबई में ये बिल्डर बोले जाए तो भवन निर्माता, ये लोगों के लिए इन लोगों ने, नई मुंबई के बिल्डर एसोसिएशन ने, भले वो नई मुंबई महापालिका का क्षेत्र हो, पनवेल हो, उरण हो, उस इलाके में बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तकलीफें हैं लेकिन मैं उनको ऐसा दे रहा हूँ कि तकलीफें ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली, बहुत जल्दी ये तकलीफों पे पूरा रास्ता निकल जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस, अजेंद्र पवार और सब लोग, भले आपके लंबे से देख के आप लोगों को कुछ अलग अलग लगता होगा लेकिन कोई एडिशन है तो मेरे पास में आओ, मैं आपके एडिशन को पूरा रास्ता निकालूंगा और ये राज्य प्रगति पथ कर जा रहे हैं। आगे चल के नई मुंबई के बिल्डर लोगों को और नई मुंबई की जनता को भी अच्छे दिन आने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन बनी तब से गणेश नायक उनके साथ में। मैं एक व्यक्ति में बोलना चाहूँगा, एक ही पॉलिटिशियन या नेता हमारे लिए है जो बिल्डर का दोस्त बनाता है कि मैं सभी नवी मुंबई के जितने भी बिल्डर हैं उनका मैं दोस्त हूँ। बाकी कोई इतना करीब से कोई आता नहीं है हमारे पास में, एक ही आदमी है। तो देखिए प्लस माइनस होते रहता है, अच्छे दिन थोड़े बुरे दिन तो सबको आते हैं, चढ़ाव आते हैं उतार आते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में नई मुंबई के बिल्डर लोगों ने अपना दम छोड़ा नहीं है और वो दम रखा है, इसलिए वो आगे चलते भी दमदार बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू।